नमस्कार। आज हम बच्चों आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के एक अंतर्गत लेबर कॉस्ट कंट्रोल इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो पिछले आपने हमारे उसमें देखा, वीडियो में देखा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के विषय में मैंने आपको बताया था। आज का समय प्रतिस्पर्धा का युग है। हर निर्माता ये चाहता है कि जो उसको जो वो उत्पादन कर रहा है उसका उत्पादन मूल्य कम हो। जब उत्पादन मूल्य कम होगा तो उसके वस्तु का भी मूल्य कम होगा, जिससे कि बाजार में जो वस्तु बना रहा उसकी तरह और भी जो वस्तुएं जो बाजार में बिक रही हैं, तो ऐसा ना हो कहीं उसका मूल्य अधिक हो जाए। अगर उसका मूल्य अधिक होगा तो बाजार में कोई उस वस्तु को खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि महंगी होने की वजह से। इसके लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को, जो एक निर्माता होता है रॉ मटेरियल को उसको कंट्रोल करता है। रॉ मटेरियल में क्या कंट्रोल करता है, कैसे करता है, जब कोई वो रॉ मटेरियल सामग्री यानी कि कच्ची सामग्री जब वो मंगाता है तो उसके लिए वो अपना जो स्टोरेज होता है वो सामान को उतना ही मंगाता है जितना कि उसका वो प्रोडक्शन होता रहे, प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो। अगर वो रॉ मटेरियल को ज़्यादा मंगा लेता है तो उसके सामने भंडारण की समस्या होगी, सुरक्षा की समस्या होगी, चोरी का भी डर हो सकता है और अधिक पैसे की भी जरूरत हो सकती है। यानी कि जब इस तरह की अगर वो ज़्यादा भंडारण करेगा तो उसको अधिक पैसे की जरूरत होगी, यानी कि उसके कास्ट में, उसके लागत मूल्य में वो और बढ़ जाएगी। इसलिए हर निर्माता ये चाहता है कि जो वो वस्तु बना रहा है और उस वस्तु को बनाने में उतना ही वो रॉ मटेरियल मंगाता है जो हमारा प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तो इस प्रकार वो अपने रॉ मटेरियल को कॉस्ट कंट्रोल में प्रयास करता है, पहली बात। दूसरी बात है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। पहले के समय में क्या होता था, कोई भी स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे में आपको इतना कार्य करना है, तो अच्छे भी श्रमिक होते थे, वो कम समय में भी कर देते थे लेकिन वो बैठे रहते थे। लेकिन कुछ मक्कार टाइप के श्रमिक होते थे, वो काम नहीं करते थे और धीरे धीरे करते थे, कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है, तो उनका कार्य भी दूसरे व्यक्ति करते थे। तो इस तरह की समस्या जो आने लगी, जो अच्छे श्रमिक है तो उनका मनोबल गिरने लगा। तो इसके लिए जो कर्मचारियों में जो उत्पादन का जो स्तर था वो धीरे धीरे गिरने लगा। जब उत्पादन स्तर गिरने लगा तो जो वो निर्माता किसी वस्तु को बनाता था उसके मूल्य बढ़ने लगे, तो उसके सामने समस्या हो गई कि हमारे जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो वो मूल्य को कैसे नियंत्रित करे। तो इसके लिए दो अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं। नंबर एक है होलसेल प्रीमियम योजना। ये होलसेल प्रीमियम योजना क्या है, इन्होंने कहा है कि हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत, इन्होंने ये कहा है कि हम श्रमिकों को जो सुविधाएं दे रहे हैं उसमें हम कमी ना करें, उनके सुविधाओं में और थोड़ा वृद्धि कर दें। अगर हम उन सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे तो वो कम जो वो अधिक समय में जो उत्पादन कार्य कर रहे थे वही वो कम समय में भी वो कार्य करने लगेंगे। अगर उन्हें हम कुछ प्रलोभन दे देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो उत्पादन जो वस्तु जो है उत्पादन मूल्य है उस लागत में भी कमी आ जाएगी और हमारा भी जो उत्पादित मूल्य है उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो हमारा श्रमिक है वो भी खुश रहेगा कि हमारे मालिक ने हमको, जब हमने काम अधिक किया तो थोड़े पैसे मालिक ने हमको और अधिक दिए। इससे क्या होगा, श्रमिक को भी फायदा है और निर्माता को भी फायदा है। इसी को ध्यान में रखकर जो है ये लेबर कॉस्ट के अंतर्गत दो योजना बनाई गई है कि कम समय में हम श्रमिकों से कैसे कार्य लें। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है होलसेल प्रीमियम योजना। ये क्या है, इसके विषय में हम आपको यहाँ पे संक्षेप में बता देता हूँ। इस योजना का प्रतिपादन अमेरिका निवासी श्री एफ होलसेल ने किया था। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इनका नाम और एफ ए होलसेल है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को एक निश्चित कार्य के लिए प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि तुमको इस स्टैंडर्ड टाइम उनको निर्धारित कर दिया है, यानी कि तुम्हें इतना कार्य, तुम्हें 8 घंटे में कार्य आपको करना है, ठीक है, और उन्हें समयानुसार मजदूरी दी जाती। और जो हमारा और निर्माता और श्रमिक के बीच में जो मजदूरी का जो वो तय होता है लेन देन का, वो उसी के अनुसार उनको मजदूरी दे दी जाती है। यदि कोई श्रमिक कार्य को प्रमाणित समय या इससे अधिक समय में समाप्त करता है तो उसे केवल उतने ही समय की मजदूरी दी जाएगी। मतलब अगर कोई मुझे 8 घंटे अगर काम करने के लिए
दिया गया, अगर 8 घंटे में हम उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, तो जो हमारे श्रमिक और निर्माता के बीच में जो एक अनुबंध होता है मजदूरी का, तो वो सिर्फ उतनी ही मजदूरी दी जाएगी जितने समय उस कार्य किया है। किंतु यदि उसने प्रमाणित समय से कम समय में कार्य कर लिया है, तो उसे बचाए हुए समय की मजदूरी का 50% भी हो सकता है, या 33% हो सकता है, या और भी हो सकता है। ये हमारे क्वेश्चन पर निर्भर करता है, वो कितने % बोनस दे सकता है, तक बोनस के रूप में दिया जा सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है, अगर कोई काम अगर हमको 8 घंटे में करना है, अगर हम उस कार्य को 6 घंटे में कर देते हैं, तो हम उस कार्य के बाद बोनस के भी हम हकदार हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारा समय बचेगा, निर्माता जो हमारा जो श्रमिक है उसको अधिक मजदूरी भी मिल जाएगी, प्लस उसको बोनस भी मिल जाएगा। दूसरा है, निर्माता को क्या फायदा होगा, तो जो काम वो 8 घंटे में होने हैं, अगर उससे अगर पहले कर देगा, तो निर्माता का जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो मशीन को चलाने में है, जो बिजली का बिल है, जो अन्य खर्चे होते हैं, उस पर भी कमी आ जाएगी, जिससे कि निर्माता की वस्तु के मूल्य में कमी आ जाएगी। तो इस वजह से ये हाल से प्रीमियम योजना इन्होंने ये लॉन्च बनाई है, और इससे कर्मचारियों को कम समय में हम कैसे अधिक कार्य ले सकते हैं, इन्होंने बताया है। आइए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रति घंटा मजदूरी, इंग्लिश में कहेंगे वेजेस पर आवर, यानी वेजेस पर आवर क्या है, 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए प्रति घंटे उसको मजदूरी दी जाती है। अगर वो 1 घंटा अगर काम करता है, उसको 10 रुपए मजदूरी दी जाएगी। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क, यानी कार्य का प्रमाणित समय, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि तुम्हें 8 घंटे में किसी भी कार्य को करना है, ये क्या क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क, 8 घंटे आपको उस कार्य को करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन, यानी कि कार्य का वास्तविक समय, यानी कि हमने उस कार्य को जो हमको 8 घंटे में दिया गया था, उस कार्य को हमने कितने घंटे में किया है, यहाँ पे 6 आवर्स, यानी कि जो हमको 8 घंटे में कार्य करने के लिए दिया गया था, उस कार्य को हमने 6 घंटे में पूरा कर दिया है। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ बोनस, यानी कि बोनस का प्रतिशत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। तो इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मुझे कोई भी कार्य करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 8 घंटे दिया गया था, लेकिन उस कार्य को हमने 6 घंटे में पूरा कर दिया, तो इस वजह से इसको हमें क्या होगा, हम बोनस इसमें हमको भी मिलेगा। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको हम नीचे बता रहे हैं। तो इसमें क्या वेजेस का फार्मूला क्या, मजदूरी निकालने की कैसे हम वेजेस निकालेंगे, टाइम डिवोटेड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर, यानी कि जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम हमने उस कार्य को कितने घंटे में करने में लगाए हैं, यहाँ में हमने उस कार्य को कितने घंटे में कार्य करने को लगाए हैं, 6-6 घंटे में लगाए। वेजेस पर आवर मजदूरी की दर क्या है, यहाँ पे 10 रुपए, तो हम 10 रुपए से 6 रुपए में जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 60 रुपीज, यानी कि जो हमको मजदूरी मिलेगी 6 आवर्स की, तो कितनी मिलेगी, 60 रुपीज मिलेगी। अब क्योंकि हमने स्टैंडर्ड टाइम हमारा 8 घंटे का, हमने एक्चुअल टाइम 6 घंटे में किया, तो इस वजह से हमने कम समय में काम किया है, तो हमको बोनस भी मिलेगा। तो बोनस का क्या फार्मूला यहाँ पे हम लागू हुआ है, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो, या 50% हो सकता है, 40% हो सकता है, या 30% होते, ये एज पर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी परसेंट दिया गया होगा बोनस का, हम वहाँ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 50% दिया गया है, तो यहाँ पे हमने 50% 50/100 कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ये बोनस का फार्मूला यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। तो बोनस ठीक है, टाइम सेव्ड मतलब स्टैंडर्ड टाइम हमको कितने इस कार किसी कार को करना था, 8 घंटे में, हमने उस कार एक्चुअल टाइम उस कार को कितने घंटे में किया है, 6 आवर्स, तो हम 8 में 6 जब माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना टाइम हमने बचाया, 2 आवर्स बचाया, ठीक है। अब वेजेस पर आवर्स की रेट क्या, मजदूरी की दर क्या है, यहाँ पे है 10 रुपए, हम 10 रुपए से 2 आवर्स में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 20,
₹20, यहाँ पे जो हमारा क्या आ जाएगा ₹20, 2 घंटे की मजदूरी कितनी हो गई ₹20। तो इसमें बोनस का परसेंटेज, आप बोनस का क्या परसेंटेज है 50/100। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 यानी कि जो हमने समय बचाया है, 2 घंटे बचाया था, मजदूरी की दर कितनी थी ₹10, हमने 10 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 20 मल्टीप्लाई 50/100। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो ₹10 आ गया, यानी कि ₹10 हमको क्या मिल गए, बोनस करने के। यानी कि जब हम किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं तो ₹60 हमें मजदूरी वो मिल जाती है, और जो हम टाइम बचाते हैं उसका जो परसेंटेज बोनस होता है वो हमको यहाँ पे ₹10 ये मिल गया। इस तरह से टोटल वेजेस हमको क्या मिल गया, ₹60 + 10 = ₹70, यानी कि हमको जो टोटल मजदूरी है 6 घंटे की, तो हमको यहाँ पे कितने रुपए मिल गए, ₹70। इसको अगर हम पर घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वेजेस पर आवर्स 70/6, जब हम इसको 6 से 70 में मल्टी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11.67 यानी कि ₹11.67 प्रति घंटा मजदूरी जो हमको मिलेगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा, जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे श्रमिक उनको अगर हम कुछ प्रलोभन देके तो अधिक समय का काम कम समय में करा सकते हैं, जिससे श्रमिकों को भी फायदा होता है उनको, और हमारे जो निर्माता हैं उनको भी अधिक समय का काम कम समय में हो जाता है तो उनको भी फायदा होता है, जिससे कि उनका उत्पादन जो लागत है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि आज का समय प्रतिस्पर्धा युग है, हर निर्माता ये चाहता है कि बाजार में हमारी वस्तु बिके, इसके लिए हमेशा वो निरंतर ये प्रयास करता है कि मूल्य में, अपने जो उत्पादित मूल्य में कमी लाने का प्रयास करता है। तो उन उत्पादन मूल्य में कैसे लाने का प्रयास करता है, तो इसके लिए वो निम्न बातों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले मटेरियल कास्ट को वो कंट्रोल करता है, तो उसके दूसरा है लेबर कास्ट को वो कंट्रोल करता है। तो हम सुविधाओं, लेबर कॉस्ट के अंतर्गत हम सुविधाओं में कमी ना करें। अगर हम सुविधाओं में कमी कर देंगे, जो हमारे अच्छे श्रमिक हैं, जो मन से काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो उनका मनोबल गिर जाएगा, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो उन श्रमिकों को थोड़ा और प्रलोभन दे दें, उन काम के प्रति उनको अगर हम प्रलोभन दे देंगे, वो काम करने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाएंगे और अधिक वो करने लगेंगे। इसलिए इस योजना के अंतर्गत हाल से योजना ने बताया है कि हम श्रमिकों को कम समय में कैसे अधिक कार्य कर उनसे ले सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत उन्होंने ये कार्य बताया है। इसके अंतर्गत कंपनी को भी फायदा होता है और श्रमिक को फायदा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोवेन योजना जो है, प्रीमियम योजना है, वो क्या है, वो इसी सिद्धांत पे आधारित है, वो उसका क्या है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।